Hello, good morning guys. Today is 17th September and we are going to discuss the complete newspaper analysis of the Indian Express. आज के इंडियन एक्सप्रेस को हम देखते हैं, ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं। पहला न्यूज है, इसमें ये बताया गया कि रेलवे में जितने अनमैंड क्रॉसिंग थे, मतलब जहाँ पर आप देखते हो कि पार करते हो, जहाँ पर रोड और रेलवे की मतलब एक जगह होती है, तो वो जो क्रॉसिंग लाइन होती है तो उसको अनमैंड क्रॉसिंग को जो है इन्होंने बहुत हद तक हटा दिया है। और एज पर रिपोर्ट अगर देखा जाए तो मतलब सिर्फ 6,000 अनमैंड क्रॉसिंग जो है अब बच चुके हैं पूरे कंट्री में, जबकि जुलाई में अगर अप्रैल में ये डेटा जो अगर देखा जाए तो अप्रैल में यही चीज जो थी 3,470 अनमैंड जो क्रॉसिंग थे, लेकिन ये अभी सिर्फ 600 अनमैंड क्रॉसिंग बचे हैं और उसे भी जल्द ये खत्म कर दिया जाएगा। और इसे या तो मतलब वहां पर कंप्लीटली वहां से हटा दिया गया या फिर वहां पर किसी पर्सन को लगा दिया गया जो कि उसकी देख रेख कर सके और ताकि वहां पर एक्सीडेंटल केसेस ना हो। दूसरा जो देखो ये न्यूज आया है, ये FTF बॉडी से, FTF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बॉडी जो है, जो पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रही थी कि वो मतलब टेररिस्ट को किस तरह से टैकल करती है, तो इस मामले में जो है वो FTF जो है पाकिस्तान को ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में डालकर रखी है। तो FTF की दो लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। पहले आपको यह समझनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट वो कंट्री होती है, जैसे FTF के अंदर जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें भी मान लो इस बास्केट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उस कंट्रीज में से आपको यह देखना है कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम जैसे मान लो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या फिर जैसे टेररिज्म को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब मामले को आप कर्व करने के लिए कौन सी कंट्री जो है हम एक दूसरे का सहायता कर रही है, इस बेसिस पे ये चीजों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तो ये मामले में जो है पाकिस्तान जो है ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब ये होता है कि मतलब जो भी इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गए, तो यहां से क्या होता है, कोई भी आपको अपना प्लांट लगाना या फिर डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या होता है, इस बॉडी से आपको पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलने के बाद आप वहां से उस पैसे का यूटिलाइज अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हो तो उसके बाद ऐसी बॉडीज जो हैं वो आपको पैसे देने से मना कर देती हैं, और जो है आप जो है इंटरनेशनली भी जो होते हैं आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो। और इससे क्या होता है कि कोई भी मतलब जैसे मूडी का रैंकिंग हो गया, S&P फिच हो गया, तो जितने भी रैंकिंग होते हैं उस रैंकिंग में भी आपकी मतलब ड्रास्टिकली डाउनफॉल हो जाती है। इससे क्या होगा, जब आपकी रैंकिंग डाउनफॉल हो जाएगी इकोनॉमिक टर्म में, तो मतलब कोई भी दूसरी कंट्री जो है आपके कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम प्रॉफिट में रहे और ऐसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें जहां मतलब एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। तो ये सब के कारण जो है पाकिस्तान को और भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो अभी जो है एक फाइनल लिस्ट कब होगा, ये फाइनल जो ऑब्जर्वेशन होगा ये दिसंबर में होगा, और जब दिसंबर में होगा इसी ऑब्जर्वेशन पे जो है ये फाइनल इसका जो है ये टास्क बनाया जाएगा कि क्या इसको इस लिस्ट में रखना है या फिर नहीं रखना है। आपको एक क्वेश्चन यहां पर एक कमेंट सेक्शन में देख के बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है। और यहां पर अभी देखो ये जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी जो हैं ये कहां गए हुए हैं, सर्बिया में गए हुए हैं, और वहां पर उन्होंने दो एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट में था कि एक प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में और दूसरा था अंदर रिवाइज एयर सर्विस से रिलेटेड। वहां पर जाके इन्होंने दो ऐसे वहां पर साइन किए हैं, दोनों कंट्री एक दूसरे पर काम करेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थर्ड पेज फोर्थ पेज पे ऐसी कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है। इस पेज पे जो है ये मतलब चाइल्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है, उसमें ये बताई गई है कि ऐसे चाइल्ड मतलब बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कोई चाइल्ड है जैसे ऑटो चला रहा है या फिर कोई गराज में काम कर रहा है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो बहुत बहुत मतलब हैरेस सिचुएशन में ऐसे ऐसे चाइल्ड जो है पाए गए। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हु इज़ द चाइल्ड इन नीड टू केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे कौन से चाइल्ड हैं जिसे हमारी केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो इसमें ये बताई गई है कि जैसे देखो चाइल्ड विदाउट अ होम एंड द विदाउट एनी मींस ऑफ सस्टेनेंस, मतलब ऐसे चाइल्ड जिसके पास घर या फिर मतलब जीविका की कोई साधन नहीं है, ऐसे चाइल्ड हो गए जिसके पास क्या हो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लेबर लॉ, जो मतलब हम 14 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या हम काम नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं 10 साल 9 साल के बच्चे अगर कोई काम कर रहा है उनसे काम करने को बाध्य कर रहा है तो वैसे जगह पे उन्हें ढूंढ कर निकालना। हु रिजाइड्स विद अ पर्सन विथ अ गार्जियन और नॉट, मतलब कोई ऐसे पर्सन
सिचुएशन जो कि अपने गार्जियन के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, और अगर गार्जियन के साथ रह भी रहा है तो क्या वो इंजर्ड हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, या फिर हु इज मेंटली मतलब मानसिक तौर पर कौन बीमार है, हु एज ए पेरेंट और ए गार्जियन बट अनफिट फॉर द इनकैपेसिटेटेड, तो ये ऐसे बहुत सारे हु इज लाइकली टू बी अब्यूज एंड वल्नरेबल, मिसिंग हैज अ रन अवे एंड द फ्रॉम होम, जो घर से भाग चुके, तो ऐसे ऐसे जो जितने भी चाइल्ड हैं उस चाइल्ड को हमारी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो इससे हमें प्रोटेक्शन करने के लिए एक बॉडी है, यह सीबीसी डज। तो यहां पर जाता है सीबीसी क्या करती है, पहले बात यह करती है सीबीटी टर्म्स इंडेड इन जुलाई इन टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग मेंबर। इसमें देखो ये फुल्ली फंक्शनल 5 पे होते हैं और अभी इसमें जो है 17 पोस्ट जो है वैकेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि डायरेक्ट द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर टू कंडक्ट द सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट रिपोर्ट। मतलब ये जो बॉडी होती है ये ऐसे चाइल्ड से रिलेटेड जो है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स जो होते हैं इनको मतलब ये बोलते हैं कि आप जाकर पर्टिकुलर एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस रिपोर्ट को हमारे पास सबमिट करो। तो ये जो होगा लास्ट 2 इंस्पेक्शन पर मंथ फॉर द होम ऑफ द चाइल्ड नीड केयर एंड द प्रोटेक्शन। तो जहां पर ऐसे जो चाइल्ड है जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वहां पर महीने में जाकर 2 बार आप जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो, और फिर ऐसे में एफर्ट भी इंश्योर करना है कि अबेंडेंट चाइल्ड फॉर देयर फैमिलीज एंड फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। मतलब ऐसे चाइल्ड जो अपने फैमिली से जुदा हो गए या फिर मतलब सही तरीके से उनके पास घर या पर जीने की कोई साधन खाने की वस्तु नहीं मिल रही है, तो ऐसे स्थिति में वैसे चाइल्ड को उनको प्रोटेक्शन देना एंड रिच विद द सीएनपीसी, उनको सीएनपीसी तक पहुंचाना और फिर कोऑर्डिनेट विद द पुलिस लेबर डेप्ट एंड अदर एजेंसीज इन्वॉल्व, और फिर ऐसे मतलब मामले में जहां पर उस मामले का रिजोल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन निकल सकता है जैसे पुलिस का या फिर लेबर डिपार्टमेंट में जाकर या फिर डिफरेंट एजेंसी जो भी उसमें इन्वॉल्व जो उसको हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों को वहां पर हेल्प लेके उनकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड में हमारे लिए उसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है, लेकिन ये IGMR रिडक्शन टू ड्रॉ द गांधीज लाइन। तो यहाँ पर एक देखो इंपॉर्टेंट ये है जो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में कि ये जो है स्टार्टेड इन 1913 में स्टार्ट की गई थी क्या, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल जर्नल्स इन एशिया। मतलब ये 1913 में स्टार्ट की गई थी और ये जो जर्नल है ये एशिया में सबसे ओल्डेस्ट कही जाती है, और अकॉर्डिंग टू द ये जो मतलब रिसर्च की उसमें ये बताती है कि 2014 में लगभग 33% ऐसे केस थे और 25% ऐसे रूरल इंडिया में केसेस थे जो कि हाइपरटेंशन से लोग वहां पर पीड़ित थे, और उसमें से 25% रूरल और 42% ऐसे अर्बन इंडियंस थे जिनको इस बारे में पता था कि वो मतलब टेंशन का शिकार है लेकिन फिर भी वो ऐसी कुछ चीजों को नहीं कर रहे थे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है इसमें एक टैगलाइन दी गई है और वो टैगलाइन है मुट्ठी से चुटकी तक। मतलब जो आप जैसे सॉल्ट का यूज करते हो तो मतलब सॉल्ट को एक पिंट ऑफ सॉल्ट आपको यूज करना है, मतलब चुटकी का सॉल्ट ऑफ यूज करना है। और मैं आपको बताता भी हूँ कि जैसे 3 अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में 3 ऐसी चीजों को अगर इंप्लीमेंट कर लेते हो, 3 व्हाइट चीज है, एक होता है व्हाइट शुगर, एक है व्हाइट सॉल्ट, और फिर तीसरी चीज़ है व्हाइट राइस। अगर इस तीनों चीज़ों पे अगर आप मतलब ठीक से चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, इस पर मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ अगर अपने लाइफ स्टाइल में लेते हो तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जैसे हाइपरटेंशन हो गए, माइग्रेन हो गए, डायबिटीज़ हो गए, ये सारी चीज़ों को जो है फटीग हो गए, ये सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी जो है खुद ब खुद सिर्फ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल से आप इस चीज़ों को कर्व कर सकते हो। तो हमें आपको सबको ये कोशिश करनी चाहिए सॉल्ट की मात्रा कम से कम यूज करने की। और इंडिया कमिटेड टू लीड द बिमस्टेक, जो बिमस्टेक का रीजन है तो बिमस्टेक रीजन में पहले बात कौन कौन सी आती है, इसमें इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, श्रीलंका आ गया, थाईलैंड आ गया, भूटान आ गया और नेपाल आ गया। और कुछ दिन पहले हमने न्यूज सुना था उसमें नेपाल जो कह रहा था कि हम बिमस्टेक रीजन से निकल जाएंगे। तो ये जो हमारी रीजन है, ये जो हम जो एक कॉपरेशन बनाए हैं इस सब कंट्री को मिलकर, जो हमारी मतलब जिसमें क्या हमारे सिद्धांत है लुक ईस्ट जो पहले थी वाजपेयी गवर्नमेंट के बाद, लेकिन अभी जो मोदी की गवर्नमेंट आई तो उसमें हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी कंट्रीज का मैंने नाम लिया जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये सारी कंट्री को मतलब डेवलप करने में या फिर जो भी वहां पर उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को मीट करने में इंडिया जो है एक लीडर का रोल प्ले करेगी, तभी ये सारी कंट्री जो है इंडिया की बातों को सुनेगी। तो इसके लिए जो इंडिया है प्रतिबद्ध है और ये चीज़ों पर काम करने के लिए ये अग्री हो गई है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो ये एक्सप्लेन्ड पेज है, एक्सप्लेन्ड पेज पर ये बातें बताई गई है। पहले देखते हैं SDI रिपोर्ट से जो आई है, SDI रिपोर्ट से
रिलेटेड हमने एक न्यूज देखा था, उसमें हमने बताया था कि एसडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है तीन पैरामीटर पर जज किए जाते हैं। पहला क्या होता है कि आप जो है मतलब कितना वहां पर इनइक्विलिटी है मतलब एजुकेशन में, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, और फिर जो है इनइक्विलिटी मतलब पर कैपिटा इनकम। तो मतलब किसी भी कंट्री में मतलब कोई भी चाइल्ड अगर वो जन्म ले रहा है तो जन्म लेने के बाद वो कितने दिन तक वो जीवित रहता है, पहला चीज तो इस पैरामीटर को हम लोग देखते हैं। दूसरा देखते हैं कोई भी एक हेल्दी चाइल्ड अगर वहां पर जन्म लेता है किसी कंट्री में तो वो कितने दिन तक वो एजुकेशन में इन्वॉल्व होता है, कितने दिन तक वो एवरेज ऑन एन एवरेज शिक्षा लेता है, और तीसरा जो है उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इन तीनों पैरामीटर को जब हम लोग जज करते हैं और उसकी जो एवरेज निकालते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी कंट्री का डिसाइड करते हैं। तो हम लोग जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो तो इसमें दिखा जाता है श्रीलंका कहीं ना कहीं हमारे से बेटर परफॉर्म कर रही है एशियन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो इसका मार्क है ये कितना 0.77 है, वहीं इंडिया का कितना 0.64 है, और वहीं पाकिस्तान 0.56 पर आ रही है। तो इसमें क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब बर्थ लेने के बाद कौन कितने दिन तक जीवित रहता है, अगर श्रीलंका का केस देखो तो ये 75 मतलब ऐसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 68 हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जा रही है। मतलब स्कूलिंग में लगभग 13 से 14 साल जबकि इंडिया के केसेस में ये सिर्फ 12 साल आता है, और फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अगर निकाला जाए 10 या 6.4 आता है, और पर कैपिटा इनकम अगर देखो श्रीलंका का तो कितना 11,326 है जबकि इंडिया का 6,353 है, और वहीं पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो 5,311। तो हमारे इस फैक्टर्स पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने की जरूरत है। ऑब्वियसली 1990 से 2018 का जो हमारा सफर है उसमें हमने बहुत अच्छा किया, ब्रिटिश हमें जिस स्थिति में छोड़ कर गई थी उससे हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो एस्पिरेशन है वो मतलब हम हर चीज को डेवलप्ड कंट्री से मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, हमें किसी चीज की ना टैलेंट की कमी है और ना ही हमारे पास एक रिसोर्सेज की कमी है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि इन सब मामले को ध्यान से टैकल करें। व्हाट गवर्नमेंट ओवरडिड ये देखो ये बोला जाता है, और व्हाट डिडंट डू ये मतलब हमारी प्रॉब्लम जो हम लोग अभी देख रहे हैं फिस्कल डिफिसिट से रिलेटेड या करंट अकाउंट डिफिसिट से रिलेटेड या फिर एनपीए का जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई, ये जो मोंटेक्स अहलूवालिया है ये जो आप देख रहे हो ये मोंटेक्स अहलूवालिया जबकि ये पी चिदम्बरम है, और ये तब की मतलब हमें न्यूज बताई जा रही है। तो इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे थे कि सर हमारे मुझे इसके नोट्स अगर रिवाइज करने हो तो कहां से करें, तो मैं इसके नोट्स भी आपको बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा और मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें देखो दो तीन ऐसे सवाल उठाए गए और उसके उससे इसे हेल्प करने की बताई गई। तो व्हाट नॉट टू पोस्ट ये देखो पहला इसमें ये चीजें दी गई है, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसमें बोला गया कि हम जो है बहुत अच्छा कर रहे थे जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस 1998 तक अगर देखा जाए इंडिया इंटीग्रेटेड मोर एंड मोर विद द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी जैसे चल रही थी उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और इसकी अंदाजा इस बात पे भी लगाई जा सकती है कि हमारी जो ग्रोथ थी ये डबल डिजिट की थी, ठीक है, और 2004-05 से लेकर 2007-08 तक अगर देखा जाए तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमारा एक्सपोर्ट में भी बूम था और साथ ही साथ जो ग्लोबल ट्रेड था वो भी हम 8.6% तक पहुंच गए थे। फिर आया 2009 का दौर और इसमें क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड जो हुआ मतलब 8.6 पे जैसे हम लोग इंक्रीज पे चल रहे थे वहीं हमारा 11% अचानक से डिक्रीज हो गया, और इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है जिस तरह से हमें बताया गया कि एक्सपोर्ट में बूम था वो भी 16% जो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। फिर ट्रेड डेटा जो 2010-2009 के बाद 2010 में अगर देखा गया इंडिया का तो उसमें पाया गया कि इंडिया जो है ऑन एन एवरेज बेटर परफॉर्म कर रही थी, वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इन द गुड्स एंड सर्विस एट द राइजिंग वी लिव इन, लेकिन बात यह है कि हम जो एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, कनेक्टेड वर्ल्ड में रहने का मतलब यह है कि इंडिया जो है ऑल अलोन पूरे ग्लोब पे नहीं है, इंडिया का कंसर्न जो है यूएसए से भी रिलेटेड है, सऊदी अरेबिया से भी रिलेटेड है, चाइना से भी रिलेटेड है और जापान से भी रिलेटेड है, और जितने कंट्री हैं एक दूसरे से ग्लोबलाइजेशन के दौर में कनेक्टेड है। तो कहीं भी अगर कुछ ऐसी गलत चीजें होती है तो इसका इफेक्ट ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी इंडिया पर भी पड़ना ही पड़ना था। तो ये चीजें देखो एक ग्राफ की इसमें दिखाई गई है और इसमें बताया गया 2007-08 में जो हमारी फिस्कल डिफिसिट थी वो कितनी थी 2.7%। फिस्कल डिफिसिट मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि मतलब किसी भी मतलब फाइनेंशियल बजट ईयर में आप कितना मतलब ये एक्सपेक्ट करते हो, मान लो फाइनेंशियल ईयर 2018 में हमने एक्सपेक्ट किया कि 1,000 रुपये में हम पूरा अपना ग्रोथ कर लेंगे मतलब डिफेंस में रेलवे में सारी चीज़ों में मिलाकर, लेकिन हमारी जो है वो जो एक्सपेंडिचर हो गई 1,000 से ज़्यादा मान लो 1,500 हो गई किसी भी कारण से, ये इनके प्रकारण ये या तो कुछ ऐसे बाढ़ आ गए या फिर जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर हो गया या फिर टैक्स रिवेन्यू में कुछ हमने या फिर फार्मर्स को जो है
सेविंग स्कीम कर दिया, तो जिस कारण से तो ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा हमने मतलब इन्वेस्ट कर दिया, इसे हम लोग डिफिसिट कहते हैं। तो 2007-08 के बीच में जो हमारी डिफिसिट थी वो कितनी थी, 2.7% थी, लेकिन देखो अचानक 2008-09 में जब हम पहुंचे तो ये 2.7 से हमारी जो फिस्कल डिफिसिट थी जो 6% पे पहुंच गई, और फिर 9-10 में जो फिस्कल डिफिसिट थी जो 6.4% पहुंच गई। तो इसके क्या कारण थे, जब हम लोग इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे तो फिर हमारी फिस्कल डिफिसिट अचानक क्यों बढ़ने लगी? तो इसमें बोला जाता है कि एक बड़ा मिस्टेक ये हुआ कि चिदंबरम अनाउंस 3 स्टिमुलस पैकेज, मतलब चिदंबरम जो है, जो मतलब जैसे हमने बोला कि वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें चल रही है उससे इंडिया अछूता नहीं रह सकता था, तो इंडिया मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो क्राइसिस आने लगी, रिसेशन का दौर था, तो फिर उससे बचने के लिए चिदंबरम जी उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने किया एक 3 स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया। स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? स्टिमुलस पैकेज वैसे पैकेज होते हैं जिसमें जैसे मान लो कि आपको यहां पर बोला गया कि आप अगर कोई भी आप सर्विस करते हो और आपका मतलब एनुअली मान लो आप 4 लाख रुपए कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसी आती है कि आप अगर 5 लाख से 6 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको 10% टैक्स लगेगा। तो इन सारी चीजों की आती है ना, मतलब ये जब बजट ये इशू होता है तो ये बोलता है कि जब फिस्कल स्टिमुलस दिया गया तो उसमें टैक्स में रिलैक्सेशन दे दिया गया। तो मतलब जैसे आप जैसे 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं दे रहे थे और 5 से 6 लाख को मान लो 10% टैक्स देना पड़ रहा था, तो इन्होंने किया कि अब 5 से 6 लाख लोगों को, 5 से 6 लाख जो कमा रहे एनुअली, उनको भी 10% का टैक्स देने से अब रिलैक्सेशन दे दिया, उसको छूट दे दिया, अब उन्हें भी टैक्स। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे मेजर्स स्टेप लिए जाते हैं स्टिमुलस में, जिससे क्या है लोगों को टैक्स में रिलैक्सेशन हो गया, या फिर ऐसी कुछ भी हार्श पॉलिसीज है गवर्नमेंट को उसमें रिलैक्सेशन दे दी जाती है। तो ये स्टिमुलस जो है चिदंबरम जी अनाउंस किए, तो फिस्कल डिफिसिट जिससे क्या हुआ, जब आप मतलब टैक्स में रिलैक्सेशन दे दोगे तो टैक्स में रिलैक्सेशन देने के बाद पैसे तो गवर्नमेंट के पास आएगी नहीं, तो जब पैसे गवर्नमेंट के पास आएगी नहीं तो होगा क्या, उसका प्रभाव जो हमारी फिस्कल डिफिसिट थी वो 6% जीडीपी से बढ़ गई, और वो जो हम 2000 जो हम लोग देख रहे थे पहले प्रीवियस ईयर में 2.7 था, ये अचानक 6% क्रॉस कर गई। और जो है इस बीच जो है आरबीआई को भी जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बहुत ही मतलब ईज कर दिए। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट कंटिन्यू विद द स्टिमुलस ऑफ द 2009-10, मतलब जो हमने 2008 में पॉलिसी बनाई स्टिमुलस की वो 2009-10 में भी हम जाकर ठीक नहीं किए, वो सेम स्टिमुलस पॉलिसी जो है मतलब वोट बैंक बनाने के लिए जैसे भी कारण से उसको हम लोग कंटिन्यू रखे। और उसके बाद यही एक समय था 2009-10 का जो हमारी इकोनॉमी जो है आकर मतलब गिर गई, धाराशाही हो गई, और वहीं से जो हमारी रुपी जो है बहुत ही बैड परफॉर्म करने लगी, एंड गवर्नमेंट डिड नॉट क्लोज द टैप। और ये जो फिस्कल स्टिमुलस वाली बातें थी इसको जो है गवर्नमेंट जो है रोकने की कोशिश भी नहीं की, और जो है हम कंटिन्यू वहां से डिफिसिट अपनी इकोनॉमी की बढ़ती चली गई। इंडिया लेट द करंट अकाउंट डिफिसिट वेल, मतलब हमारी जो करंट अकाउंट डिफिसिट थी, मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इंबैलेंस है, जितनी भी एक्सपोर्ट मतलब अगर हम 20 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश से तो हम इंपोर्ट जो है 2000 का करने लगे। तो इसमें जो है देखो इतनी जो बीच का इंबैलेंस था वो इंबैलेंस हमारी कंट्री में अचानक से बढ़ती गई। और देखो वर्ल्ड जिस तरह से परफॉर्म कर रही है और इंडिया किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इस डेटा के माध्यम से भी इसमें समझाया गया है। तो वन लेसन नॉट लर्नड, ये सारी चीजें जब हो रही थी लेकिन इसके बावजूद भी जो हम कुछ इससे लेसन नहीं ले पाए, और गवर्नमेंट उस टाइम क्या की, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, जो कि जिसका काम था कि ऐसे डिस्प्यूट जो रेगुलेटर के बीच में चल रहे हैं उसे सॉल्व करना, ऐसे इशू जो चल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से उसे सॉल्व करना, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट या रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड मामले आएंगे तो उसे सॉल्व करना, माइक्रो प्रोडेंशियल सुपरविजन, ये जितने भी मामले थे इन सब चीजों का देख रेख करना इसका काम था FSDC का। लेकिन जो हुआ FSDC जब आई तो ये जो थी मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी, ये भी एक गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी बॉडी बनकर रहेगी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और वहां पर क्या हुआ, कैपिटल मार्केट और जो इंश्योरेंस रेगुलेटर थे उन दोनों की लड़ाई के बीच में जो है ये कुछ भी स्टेप्स नहीं ले पाई, और फिर क्या हुआ, FSDC ऑफिस शुड हैव बीन हाउस्ड इंडिपेंडेंटली, इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए थी लेकिन हमने इसे इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रखा, जैसे कि आज के दौर में जो हम ये जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है एनडीए गवर्नमेंट के अंदर। तो देयर हैव बीन एट लीस्ट 3 मेजर क्राइसिस। तो इस सब दौर के बीच हम लोग देखते हैं हम लोग 3 मेजर क्राइसिस से गुजरे। पहला क्या था कि बलूनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डिफिसिट, हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इंबैलेंस थी वो अचानक से बढ़ गई। दूसरी क्या थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA जो भी थे हमारे बैंक में अचानक बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मतलब वहां पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे सबको जो है लोन सैंक्शन कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि RBI जो है अपने नॉर्म को मतलब बहुत ईजी कर दी और जो है रुपी का भी जो डिक्लिनेशन जो है वहीं से स्टार्ट हो गया। हैड द FDCT क्राइस मैनेजमेंट, अगर FCDC ये जो बताई गई बॉडी बनाई गई ये अपने सही तरीके से अगर काम करती तो ये सब मामले जो हमें झेलने की जो
जरूरत नहीं पड़ती, इसमें यह बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखो ये जो एडिटोरियल पेज का व्हाट गवर्नमेंट ओवर डिड जिसमें हमने समझाया, उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें यह बताया गया है कि ये देखो यहां पर कि व्हाट नॉट पोस्ट ऑनलाइन, हाउ यूरोप लॉ प्रपोजेज द प्रोटेक्ट कॉपीराइट। मतलब जैसे कोई भी चीज़ों को आप जैसे एक इमेज लिए और इमेज को आप गूगल पे डाल देते हो या इंस्टाग्राम पे डाल देते हो या फिर आप अपने ब्लॉग्स लिखते हो, तो उसको जब आप लिखते हो तो उसको कॉपीराइट होती है, आपकी आपकी चीज़ों को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो यूरोपियन जो मतलब ये कंट्री है ये कॉपीराइट से रिलेटेड एक मतलब लॉ बनाने की कोशिश की, और इसमें देखो इस चीज़ों को आप समझ लेते हो क्योंकि इस चीज़ों का आंसर जो है आप डिफरेंट यूज में इंडियन के पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हो। तो वेडनेसडे को क्या हुआ, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है अप्रूव कर दी कॉपीराइट लेजिस्लेशन, और इसके तहत क्या होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी अब वो चली जाएगी किसके तरह, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, टू राइट द कंटेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, जो भी उसके प्रोड्यूसर जो भी कंटेंट के एक्चुअल जो उसके ऑनर हैं उनको राइट को बचाने के लिए। तो नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर टू गेट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर, इसके तहत अब क्या हो जाएगा जो भी ऑनलाइन आप चीजों को आप जैसे अपलोड करोगे तो उसको जो है एक ऑथराइजेशन बॉडी होगी जो जिसके थ्रू से पास पहले करवाना होगा, और जब तक वो चीजें पास नहीं होगी तब तक जो है वो चीजों को आप मतलब मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक नहीं कर सकते हो। और इसमें जितने भी प्लेटफॉर्म में आते हैं वो गूगल हो गए, फेसबुक आ गए, विकिपीडिया हो गए, रेडिट हो गए, यूट्यूब, वो जितने भी प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से काम करते हैं, तो इन सब चीजों में जो है आप डायरेक्ट वो चीजों को पब्लिक नहीं कर सकते हो। तो इसमें मेजर प्रोविजन ये है कि आर्टिकल 11 इसमें जो ये कहती है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑन देयर कंटेंट, मतलब अगर आप उसके रियल ऑनर हो तो आपको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, आपके चीजों को कोई दूसरा आदमी यूज नहीं करेगा। और आर्टिकल 13 अगर इसका देखा जाए तो आर्टिकल 13 में कही जाती है कि अगर कोई भी कॉपीराइट का वायलेशन करता है तो यही जो प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब हो गया फिर या फिर गूगल हो गया, यही इसके अकाउंट जो है अप्रोप्रिएट जो है, मतलब स्टेप्स ले सकती है अगर कोई कॉपीराइट की वायलेशन करता है। तो डिबेट इस मामले पे आ जाता है कि सेंसरशिप मशीन अगर लगा दिया जाएगा, अगर छोटी छोटी बातों में अगर जो है हर चीज में कॉपीराइट कर दी जाएगी, तो जैसे आप देखते हो कोई भी चीज का आज पैरोडी बनता है या फिर सटायर बनता है या फिर छोटी छोटी मतलब क्लिप्स निकाल के आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। और इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि मतलब कोई भी छोटी सी भी चीजों को अगर आपको अपलोड करना है तो इससे आपको एक लॉयर के थ्रू मतलब अप्रूव करना होगा। ये लॉयर क्या होंगे, जो कंटेंट रेगुलेटर होंगे, जो आपके कंटेंट को देखेंगे ऑनलाइन करने से पहले पब्लिक के, एंड फाइंड इट ऑडियंस, ऑडियंस को के बीच जाने से पहले। तो प्रीवियस एफर्ट ऐसे जो एफर्ट हैं ये पहले भी लिए गए थे, जर्मनी ने लिया था, और जर्मनी ने ये बोला था कि कोई भी मतलब गूगल पे जैसे कोई भी न्यूज आप डालते हो तो मतलब पूरा न्यूज निकल कर आ जाता है, तो इसमें बोले थे कि आप सिर्फ कोई भी न्यूज का हेडलाइन डालोगे, आप पूरे कंटेंट को मतलब 10 लाइन तक निकाल के वहां नहीं दिखा सकते, तो ऐसी स्थिति में जो हुई थी। और फिर स्पेन में भी ऐसे इशू बने थे कि कोई भी अगर कोई भी कंटेंट है तो उसका कंटेंट का जो पब्लिशर है उसको जो है कंप्लीट पैसे दिए जाएं या चीजें दिए जाएं अगर उसके कंटेंट को आप दिखा रहे हो तो। तो ऐसी स्थिति में गूगल ने क्या किया था, स्पेन में जो है अपना वो चीजों को दिखाना ही बंद कर दिया था, गूगल जो अपनी सर्विस ही बंद कर दी थी, तो ये जो है उस पर गलत प्रभाव पड़ गया। तो डिजिटल कॉपीराइट इन सब के बीच इंडिया कहां अपने आप को खड़ा पाता है, तो इंडिया में ऐसा एक्ट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मतलब इसमें अगर मान लो कि अगर कोई भी चीज आप वायलेट गलती से कर देते हो, ठीक है, अगर मान लो किसी के वीडियो या फिर किसी के म्यूजिक या किसी के पिक जो है आप अपने वीडियो में डाल देते हो, और अगर आप ये प्रूव करने में सक्षम हो जाते हो कि ये जो चीजें की ये मतलब आप जानबूझकर नहीं की, गलती से आपसे हो गई, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो वैसी स्थिति में जो है आपको जो है इससे बचत और राहत मिल जाती है। तो ये सारे इसमें यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड थे, जब इंडिया में ये लॉ बनेगा तब हम लोग और डिटेल में इसे देखने की कोशिश करेंगे। ये देखो एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल मतलब ऑलरेडी मैंने 7 बजे अपलोड कर दिया, आप वहां पर जाकर एडिटोरियल देख सकते हो, और उसमें रिलेटेड एक जो है एक इकोनॉमिक टर्म भी है, हम उस टर्म के रिलेटेड भी एक वीडियो है जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो बैंकिंग से रिलेटेड जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड, उनके लिए तो और भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही टुडे के एट क्लिक पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड लेवल पे क्या न्यूज आई, वर्ल्ड लेवल पर न्यूज आई कि जैसे कि हम लोग 2 दिन से डेली न्यूज देख रहे थे कि टाइफून मंगकूत, ये जो मंगकूत जो फिलीपींस को में आने वाली थी या फिलीपींस
में आई और फिर जो है ये चाइना को भी हिट की और लगभग 2064 डेथ जो है वहां पर रिकॉर्ड किए गए। यहां पर ये बताया जा रही है कि नेपाल की जो आर्मी है वो चाइना जा रही है और वहां पर जाके दोनों जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताया गया कि द कंट्री हैज नो हर्ट सर्जन्स एंड ओनली 5 कार्डियोलॉजिस्ट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 12 मिलियन। मतलब एक रवांडा एक ऐसा कंट्री है जहां पर लगभग 12 मिलियन वहां की पॉपुलेशन है लेकिन वहां पर कोई ऐसा हर्ट सर्जन नहीं है और सिर्फ 5 कार्डियोलॉजिस्ट मतलब उस कंट्री में पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है। नेक्स्ट आर्टिकल ये इसमें बताया गया प्लास्टिक के बारे में बताया गया कि पूरे मतलब और भी डिफरेंट कंट्री जो है प्लास्टिक से कैसे टैकल कर रही है, तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो ऑफ ऑल द प्लास्टिक प्रोड्यूस मतलब 1950 में जितने जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ उसमें से 10% ही सिर्फ हम लोग रिसाइकल कर पाते हैं और ये जो 10% होते हैं तो बाकी के 90% क्या होते हैं, बाकी के 90% या तो हम लोग डंप कर देते हैं या फिर लैंडफिल मतलब कहीं जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या फिर क्या होता है कि एनवायरमेंट में इस तरह से फेंक देते हैं। और जब हम लोग एनवायरमेंट में फेंकते हैं तो वो चीजें कहां चली जाती है, वो जाकर समुद्र में नदी के थ्रू जाकर समुद्र में जाकर वो संग्रहित हो जाती है। तो देयर इज ए कनेक्शन, इसमें ये बताया जा रहा है कि डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल, ये जो प्लास्टिक होती है पेट्रोकेमिकल से डिराइव होता है और उसका क्या नाम है ब्यूटीमेन। और ये जो ब्यूटीमेन होता है इसका कहां यूज होता है, ये ब्यूटीमेन का हम लोग रोड मेकिंग में यूज करते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक द प्लास्टिक स्ट्रांग, मतलब प्लास्टिक को क्या एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर आप उससे उसके वेट से ज्यादा अगर उसमें सामान भी डाल दो तो उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण क्या होती है, वो प्लास्टिक फटती नहीं है। तो सच फीचर्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द रोड बिल्डर, बोला जाता है यही फीचर जो प्लास्टिक की है कि मतलब वो इलांगेट हो सकती है, फट नहीं सकती। जैसे क्या होता है कि मतलब बरसात के दिनों में बारिश आई रोड पर तो वहां पर जो है वाटर वहां पर ट्रैप हो गया और अचानक जब धूप आई तो उससे क्या होता है कि रोड जो है रोड वो फट जाता है, वहां पर क्रैक आ जाता है, होल बन जाता है। तो अगर सेम प्रॉपर्टी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अगर रोड पर भी हम लोग यूज करने लगे तो उससे क्या होगा, जब भी ये जो वाटर वहां पर जब भी ट्रैप होगी तो रोड जो है वो फटेगी नहीं। तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज ऑलरेडी यूज टू मेक द सेम प्रोडक्ट, ऐसी जो मतलब टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया नीदरलैंड में, 30 मीटर का एक ऐसा साइकिल का ट्रैक बनाया गया और उस ट्रैक पर जो था इसमें 70% जो है वो साइकिल मतलब रिसाइकल्ड जो है वो प्लास्टिक का यूज किया गया और उसको अभी जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि वो किस तरह से मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशन में वो बिहेव करती है। और साथ ही साथ इससे उभर कर एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अब हमें एक स्मार्ट रोड बनाने की जरूरत है। स्मार्ट रोड बनाने की जरूरत मतलब ये हो गया कि ऐसे इन्वेंटर्स की द आइडिया टू मेक द सेक्शन इंटायरली फॉर द रिसाइकल प्लास्टिक, मतलब ऐसे रोड बनाने की जरूरत जो कंप्लीटली एक रिसाइकल प्लास्टिक से बन सके। जैसे रिसाइकल प्लास्टिक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मतलब पाथ बनाना या फिर कार पार्किंग बनाना या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म बनाना, वैसे वैसे चीजों को हम लोग इस रिसाइकल प्लास्टिक का यूज करके बना सकते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि अल्टरनेटिव मेथड फॉर द रिसाइकल प्लास्टिक इज द मिक्स मटेरियल इनटू द ब्यूटुमेन विद एप्साल्ट, मतलब इसको जो ब्यूटुमेन के साथ जो प्लास्टिक को आप मिक्स करके और रोड में डाल दो। और इन सब के बीच दो इंडिया में क्या होता है, इंडिया मान लो रोड पे कहीं गड्ढे पर गए तो वहां क्या किया जाता है, जो पिक मतलब जो प्लास्टिक को चुनते हैं उनके प्लास्टिक को ले लिया जाता है और उनके प्लास्टिक को लेकर उस जो होल में है वहां पर ले जाकर जमा किया जाता है और फिर वहां आग लगा दी जाती है। और जब वो आग लगा जाती है तो वो मेल्ट करती है और मेल्ट करने के बाद क्या होता है उस रोड पर जो है एक कंप्लीट हार्ड लेयर बन जाता है प्लास्टिक का। और इस तरीके से जो है इंडिया में मतलब इंडिया में ये प्रैक्टिस की जाती है और रोड को मतलब भरने का ये इसमें इस तरीके का इजाद यहां पर किया गया। तो इससे मतलब ये जो है अब इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस रूप में ले जाने की जरूरत है। और जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल भी लिया गया कि ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्या हुआ, सब्सटेंस एक बनाया गया जिसका नाम है प्लास्टिक फॉल्ट। प्लास्टिक फॉल्ट मतलब क्या, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के चीजों को डाले गए, जैसे रिसाइकल्ड मटेरियल्स थे जो कि प्लास्टिक को रिसाइकल करके, उसमें लगभग 63,000 ऐसे जो थे ग्लास के बॉटल डाले गए और फिर 45,000 जो जैसे आप लोग प्रिंटर में जो कार्टरेज यूज करते हो तो उस कार्टरेज जो वेस्ट हो जाते हैं उसको, तो इन तीनों चीजों को लेकर उसको क्या किया गया, एक साथ सबको मेल्ट कर दिया गया और लगभग 50 टन जो है एक केमिकल सब्सटेंस बनाया गया और उस केमिकल सब्सटेंस का यूज करके वो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या चीज की गई, उस रोड को बनाई गई। और उस रोड को भी अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि वो मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशन में कैसा बिहेव करती है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बूम कहा जाएगा, क्योंकि 90% ऑफ जो हमारी प्लास्टिक है वो कहां जाकर, सी वाटर में जाकर वो मिल जाती है। और जैसे भी देखो ये रिसाइकल जो प्लास्टिक्स होती हैं तो रिसाइकल प्लास्टिक का हम लोग जो 10% रिसाइकल कर रहे हैं उस 10% का भी हम लोग किस चीज में यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे जो होते हैं कि पाइप्स बनाने में या फिर पिट होल्स बनाने में, इन सब
चीज़ों में यूज होती है, लेकिन जो 90% अभी जो प्लास्टिक जो वेस्ट होगी उसे हम लोग फिर रोड मेकिंग में आसानी से यूज कर पाएंगे। ये देखो इकोनॉमी पेज अगर देखते हैं तो इकोनॉमी पेज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आया, तो इसमें बताया गया कि लगभग 4 लाख करोड़ ऐसे वर्थ एसेट हैं करंटली अंडर गोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द आईबीसी। आईबीसी क्या हो गया, जो RBI ने बोला कि आप 180 डे के अंदर जो है जितने भी आपके फाइनेंशियल रिजोल्यूशन आप उसको ठीक ठाक करो, अदरवाइज जो आपके एसेट्स की हम बोली लगा देंगे, और जो डिफरेंट कंपनीज है मतलब जो डिफरेंट जिनको लगता है कि आपकी कंपनी को आपसे बेटर वे में चला सकती है तो वैसी कंपनीज आपको उसका मालिकाना हक उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसी चीज़ों के बीच क्या हुआ कि डिफरेंट जो कंपनीज थी वो कंपनी जो अपने डेब्ट को ठीक तरीके से देखी कि हम चुकाने में सक्षम नहीं होंगे तो किसी तीसरे कंपनी से वो जाकर क्या है कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर, मतलब आपस में ये लोग एक साथ कर, जैसे कि एग्जांपल दिया गया एओन कैपिटल जो है ये किसका मतलब जॉइंट वेंचर है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जो आप हॉस्पिटल का नाम सुनते हो आईसीआईसीआई का वेंचर है, तो ये जो है किसके साथ हाथ मिला ली, सज्जन जिंदल के साथ हाथ मिला ली, और ये तीनों मिलकर अब क्या करेगी इसके जितने भी डेब्ट है उस डेब्ट को अब चुकाने की कोशिश करेगी। अब जैसे सिंगापुर का एक रिसर्जेंट पावर वेंचर है उस वो भी किसका है टाटा का है, आईसीआईसीआई बैंक है और फिर सिंगापुर की कंपनी है, तो ये जो है जयप्रकाश एसोसिएट्स के साथ जो है हाथ मिलाएगी और हाथ मिलाने के बाद जो भी इसके डेब्ट हैं इसको जो है 180 डे के अंदर जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो इन सब के बीच जो है आरबीआई के डिफरेंट मतलब ऐसे ऐसे रेगुलेशन आते जा रहे हैं, और आदित्य बिरला का भी इसमें एग्जांपल दिया गया, और फिर परिमल इंटरप्राइजेस का भी बताया गया जिसमें जो है इंडिया इंसर्जेंट फंड IRF इसमें ये बनाई और उसमें ये देख रेख करेगी कि हम कैसे चीजों को बेटर वे में टैकल कर सकते हैं। स्टेट सेट फॉर द मिस द फाइनेंशियल ईयर 2000 फिस्कल टारगेट, मतलब ये बोला 2019 का जो हमारा टारगेट था, अभी अरुण जेटली का स्टेटमेंट क्या आया कि हम फिस्कल टारगेट जो 3.3% था उसे हम लोग जो है अचीव कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारी ट्रेंड दिख रही है इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है, या फिर अभी जो MSP का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया और सभी जितने भी किसान थे उनको लोन वगैरह उनका माफ कर दिया गया, तो इन सब के बीच जो है पैसे कहां से आएंगे, जो पैसे जो है इन सब चीजों में जो वेस्ट की गई इन सब चीजों में दे दी गई, तो जो है अब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2019 का वो मे बी हम जो है नहीं अचीव कर पाए। ट्रंप जो है ये 2000 बिलियन का जो है टैरिफ लगाने वाले चाइनीज गुड्स पे, मतलब जो चाइना में गुड्स प्रोड्यूस हो रही है और जो यूनाइटेड स्टेट में आकर बिकती है तो वैसे चाइनीज गुड्स पे ये टैरिफ लगा देंगे, तो मान लो कि चाइनीज गुड्स अगर वहां पर मान लो कि फॉर इंडियन रुपी फॉर द सेक ऑफ 5 रुपए में अगर मिलती है अगर वो टैरिफ लगा देते हैं तो सेम चीज जो है 8 रुपए में मिलने लगेगी, तो ये सारी चीजें जो होगी जिससे होगा ये दुष्प्रभाव होगा और चाइनीज गुड्स जो है यूनाइटेड स्टेट में मिलना बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट स्टार्ट डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स आईडी, मतलब वैसे मतलब डायरेक्टर्स जो कि डीएक्टिवेटिंग द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द 21 लाख डायरेक्टर कंपनीज दे फॉलो द KYC नॉर्म, जो KYC नॉर्म्स को मतलब वो फुलफिल करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो ऐसे 21 लाख ऐसे डायरेक्टर हैं कंपनी के उनके जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर को जो है इन लोगों ने इलीगल करना घोषित कर दिया है। कॉमर्स मिनिस्टर ने ये बोला ईज ऑफ प्रोसेस टू अवेल द एक्सपोर्ट इंसेंटिव, मतलब एक्सपोर्ट इंसेंटिव जितना आपको दिया जाता है जैसे कि आप इंडिया की वस्तुओं को बाहर बेच सको इसमें जो है थोड़ी ईज की जाएगी और लोगों को जो है इंसेंटिव देने की बात चल रही है। माइक्रोमैक्स जो है जियो के साथ जो मिलकर ये जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ ये बोल रही है, ये देखो 12,000 करोड़ फॉर द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ताकि वो 50 लाख ऐसे स्मार्टफोन्स जो हैं जो वुमेन्स और स्टूडेंट जो हैं उस स्टेट को वो जो है बांट सके, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ये अप्रूवल लेना चाह रही है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी आया कि जो जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खुलती है उस अकाउंट का जो मतलब टोटल कितने हो गए बेनिफिशियरी 20 लाख पीपल का अकाउंट अंदर मतलब अंडर जनधन योजना खुल चुकी है। तो इकोनॉमी में इतने ही न्यूज थे हमारे लिए, तो थैंक यू आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।